आज हम दोस्त क्लास 11th में पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, पीरियोडिक टेबल में दो कंपोनेंट जनरली पाए जाते हैं, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड। तो गढ़ा हुआ जो लाइन पीरियोडिक टेबल में होता है उसको बोलते हैं ग्रुप। गढ़ा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन। और पीरियड, पड़ा हुआ लाइन जो पीरियोडिक टेबल में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड। पीरियड को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ये हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो पीरियड का पॉइंट नंबर वन लैंग्वेज हो गया कि द हॉरिजॉन्टल रोज आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। यहां पर देख सकते दोस्त, आज हम दोस्त फुल एचडी में पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका लैंग्वेज देख सकते हैं दोस्त, लैंग्वेज हमारा कि वह हॉरिजॉन्टल कतार जो उपस्थित हो पीरियोडिक टेबल में वह कहलाता है पीरियड। और दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त टोटल पीरियड। आखिर पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड कितने पाए जाते हैं? तो टोटल पीरियड दोस्त 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि वह एलिमेंट जो उपस्थित है सेम पीरियड में, मतलब चाहे वह एलिमेंट सेकेंड पीरियड का हो सिर्फ और सिर्फ, चाहे वह एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड पीरियड का हो, तो उन हालातों में अलग अलग वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा तब अलग अलग होगा उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी। और ऐसी हालातों में दोस्त अलग अलग क्या होगा? प्रॉपर्टीज, मतलब अलग अलग गुण भी पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड, अलग अलग पीरियड में कितने कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्त, एक लाइन हमारा पीरियड, एक लाइन हमारा एलिमेंट का संख्या और एक लाइन हमारा पीरियड का नाम। देखिए दोस्त, जिस तरह सप्ताह का 7 दिन होता उसी तरह पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड 7 पाए जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हो दोस्त, पीरियड फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये हो गया हमारा थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स 2 पाए जाते हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट पाए जाते हैं। फिर हमारे दोस्त फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट 18 पाए जाते हैं। फिर हमारे दोस्त सिक्स और सेवन पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्त कि जब जब फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट पाया जाता हो तो उस पीरियड का नाम शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। उस पीरियड का नाम शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। तो फर्स्ट पीरियड में पाए जाने वाले 2 एलिमेंट है हमारा दोस्त, एक हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट है हमारा हीलियम। ये दोनों फर्स्ट पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स है। अब हम तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में आते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड। यहां पर हम देख सकते हैं दोस्त, सेकेंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट 8 होते हैं। सेकेंड पीरियड में पाए जाने वाले टोटल एलिमेंट 8 होते हैं।
जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहां पर देख सकते हो दोस्त, टोटल 8 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां पर देख सकते हो सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट पाए जा रहे हैं। हम दोस्त थर्ड पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में भी टोटल एलिमेंट आपका 8 पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यहां पर भी देख सकते तो थर्ड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट पाए जा रहे हैं, 1 एलिमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड और थर्ड पीरियड में टोटल हमारा 8 एलिमेंट पाया था, इसलिए उसको प्यार से शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। और दोस्त नेक्स्ट पीरियड में आते हैं, नेक्स्ट पीरियड में देख रहे हो दोस्त फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट पाया जाता है हमारा 18, इसी को प्यार से बोलते हैं नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड। पीरियड को क्या से पीडी लिखते शॉर्टकट में। सिक्स पीरियड और सेवन पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड। यहां पर हम लोग पढ़े दोस्त कि एक ही पीरियड में रहने वाले सभी एलिमेंट के पास अलग अलग वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आइए दोस्त एग्जांपल के रूप में पता करते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड में आते दोस्त, सेकेंड पीरियड में रहने वाले 8 एलिमेंट है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और आपका नियोन है। यहाँ पर दोस्त कुछ एलिमेंट के एग्जांपल लेके कंफर्म करते हैं कि अलग अलग वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं। तो एक एलिमेंट ले रहे हैं दोस्त लिथियम एग्जांपल के रूप में, तो एग्जांपल के रूप में ये लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 3, सबसे का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1s 2s, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक सबसेल में एक और बाइटल होता है और एक और बाइटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में दिया और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हमारा 2s में दिया। अब दोस्त नेक्स्ट में आते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट हम लिए नाइट्रोजन कहकर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 7, सबसे का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा 1s 2s 2p, हमको भरना है 7 इलेक्ट्रॉन तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका, अब मेरे पास बचा 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन गया हमारा 2p में। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि सबसे बड़ा सेल हमारा सेकेंड सेल है, तो सबसे बड़ा सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s1, सबसे बड़ा सेल यहाँ पर 2s और 2p है, तो यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 2s1 और नाइट्रोजन में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा दोस्त 2s2 2p3। यहां पर देख सकते हैं दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा अलग अलग आ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अलग अलग। यहां देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है, किसका, लिथियम का, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर देख सकते हैं दोस्त 3 और 2, कितना है 5। तो सेकेंड पीरियड में रहने वाले अलग अलग एलिमेंट के पास वैलेंस सेल अलग अलग होता है, इसलिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा और उसका प्रॉपर्टीज हमारा डिफरेंट होगा। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में पीरियड्स के बारे में फुल नॉलेज खत्म।
तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बालू बना दे उसे ही मौसुक मार कहते हैं।